टीवी सीरियल अनुपमा के सोमवार के एपिसोड की शुरुआत होगी वनराज शाह और अनुपमा के बीच एक जोरदार बहस के साथ। वनराज शाह अपनी एक्स वाइफ की हार पर ढेर सारे तंज कसेगा और उसका हौसला तोड़कर उसे जलील करने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी, दोनों शब्दों के बाण चलाएंगे और फाइनली वनराज शाह ही अनुपमा को घर में बुला लाएगा। लीला उसे रोकने की कोशिश करेगी लेकिन वनराज अपने आगे कहां किसी की सुनने वाला। उधर अमेरिका में यशदीप अपनी माँ के साथ पश्चाताप करेगा और अपनी पार्टनर और उसके अपने प्यार को उधर अमेरिका में यशदीप अपनी माँ के साथ पश्चाताप करेगा कि उसने अपनी पार्टनर और अपने प्यार का दिल तोड़ा है। बीजी उसे सलाह देंगी कि वो फ़ोन करके अनुपमा से माफ़ी मांग ले, लेकिन यशदीप ये सोचकर फ़ोन नहीं करेगा कि अनुपमा अभी यशदीप के घर में होगी। उधर इंडिया में बच्चे बहुत खुश होंगे कि उनकी दीदी लौट आई है। बाबूजी रिम्पी, काव्या और किंजल भी अनुपमा से मिलकर बहुत खुश होंगी, लेकिन लीला मुंह फेर कर चली जाएगी। पाखी और तोशु भी अपनी माँ को भाव नहीं देंगे और नज़रअंदाज करके चले जाएंगे। अनुपमा जब बच्चों के लिए चॉकलेट बना रही होगी तभी मौका पाकर वनराज शाह अंश को ये बता देगा कि अमेरिका में अनु के रेस्टो में क्या हुआ। जब अनुपमा सभी बच्चों को चॉकलेट खिला रही होगी तब अंश आकर चॉकलेट फेंक देगा और कहेगा कि इनके खाने में कीड़े होते हैं। पाखी की अपनी बेटी से वो चॉकलेट खाने के लिए मना कर देगी। तोशु भी अपनी बेटी से मना करेगा लेकिन किंजल उसे रोक देगी। वो अपनी बेटी से वो चॉकलेट खाने के लिए कहेगी। काव्या भी अपनी बेटी से चॉकलेट खाने को कहेगी। बड़ों और बच्चों को इतने चाव से चॉकलेट खाते देखकर ईशानी और अंश भी रह नहीं पाएंगे, वो भी चॉकलेट मांग लेंगे और उधर वनराज शाह और तोशु का मुंह उतर जाएगा। अनुपमा जाकर मिस्टर शाह और जूनियर मिस्टर शाह से कहेगी कि आज के बाद जो कहना है उससे कहे, बच्चों के दिमाग में जहर घोलने की ज़रूरत नहीं है। उधर अमेरिका में एक ऐसा वाक्या होगा जिसने अनुज कपाड़िया को शक के घेरे में ला दिया है। अनुपमा के साथ जो साजिश हुई उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि बिजनेसमैन गुलाटी है। दरअसल अनुज कपाड़िया इंडिया के लिए रवाना होने से पहले स्पाइस एंड चटनी के स्टाफ से मिलकर उसे कुछ पैसे उधार देगा ताकि मुश्किल वक्त में कुछ मदद हो सके। वहां से निकलते वक्त एक तेज रफ्तार गाड़ी से वो बाल बाल बचेगा, गाड़ी से गुलाटी उतरेगा और उल्टा अनुज पर हावी हो जाएगा। अनुज भी उसे अच्छा सबक सिखाएगा। दोनों के बीच बात बढ़े उससे पहले ही गाड़ी से स्पाइलर एंड चटनी का वेटर राहुल महंगे कपड़ों में निकलेगा और मामला शांत कराएगा। गुलाटी बताएगा कि स्टाफ पर तरस खाकर उसने राहुल को अपने यहाँ नौकरी दे दी।